खुद को बैंकक्रप्ट बताकर अब सिंगर आदित्य नारायण ने मारी पलटी। आदित्य ने कहा कि वो नहीं हुए हैं कंगाल। जी हाँ, बॉलीवुड बबल नाम की पोर्टल को आदित्य ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया था कि लॉकडाउन की वजह से उनकी हालत खस्ता हो गई है और उनके अकाउंट में सिर्फ 18,000 रुपए ही बचे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया था कि लॉकडाउन के चलते उन्हें काम नहीं मिला है और इस बुरे दौर में उनका दिवालिया निकल गया है। और तो और, उन्होंने अपनी सेविंग्स और म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ पैसा भी लॉकडाउन के दौरान निकाल लिया था। लेकिन अब खुद आदित्य नारायण ने इस तरह की खबरों पर सफाई दी है। टेली चक्कर से बात करते हुए एक इंटरव्यू में आदित्य नारायण ने अपनी सेविंग्स खत्म होने की खबरों पर सफाई दी और साथ ही ये बताया कि जिस इंटरव्यू में उन्होंने अपने बैंकक्रप्ट होने की बात कही थी वो 1.5 महीने पहले लिया गया था। आदित्य ने कहा, मैंने सामान्य तौर पर बस ये कहा था कि मैंने एक नया अपार्टमेंट लॉकडाउन से पहले ही खरीदा है, इसलिए मुझे अपनी EMI के बारे में सोचना होगा और अगर पेंडेमिक काफी वक्त तक चला तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैंने सामान्य तौर पर कहा था कि मेरे 5 लाख कट गए हैं EMI के लिए और मेरे पास अभी 18,000 बचे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिवालिया हो गया हूँ और मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। 2 दशक से भी ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद और वो भी लगातार, मैं कंगाल कैसे हो सकता हूँ। इसी के साथ आदित्य ने मजाक करते हुए कहा, ना जाने मेरे होने वाले सास ससुर क्या सोच रहे होंगे, अब तो मुझे शादी में ज्यादा तोहफे भी नहीं मिलेंगे। आपको बता दें कि आदित्य ने अपने फैंस से अपील की है कि वो उनके द्वारा अतीत में किए गए काम को देखें और इस तरह की फर्जी खबरों पर यकीन ना करें। भाई अब सवाल ये है कि अगर आदित्य का ये इंटरव्यू 1.5 महीने पुराना था तो ये अब क्यों सामने आया जब उनकी शादी की खबरें सामने आई। खैर, इसके पीछे की वजह जो भी रही हो, लेकिन अच्छी बात ये है कि आदित्य की हालत खस्ता नहीं हुई है और वो डेफिनेटली अब अपनी शादी पूरे ठाट बाट से करेंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। And yes, don't forget to press the bell icon ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।